बेगूसराय के सीतारामपुर में काली पूजा में पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने जहां भाजपा पर हमला बोला, वहीं वन नेशन वन इलेक्शन का भी विरोध किया। इसके साथ में उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के 40 विधायक बनाकर सरकार बनाने का संकल्प भी दोहराया। इस दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है और लोगों को तोड़ने का काम करती है, जबकि हम लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं, सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि अगर लोग भाजपा के साथ जाएंगे तो आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले आज आपने देरा के साइड में हम लोग काली पूजा में आए और आपने देखा कि किस तरीके से भव्य स्वागत पार्टी के नेतागण किए, ग्रामीण किए और सभी के साथ बहुत ही अच्छा रहा और सभी को शुभकामना दिए। और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी है, इनके साथ अगर जाइएगा तो आपके आने वाला नस्ल बर्बाद हो जाएगा। हम लोग समाजवादी लोग हैं, समाजवादी सोच है, सभी जाति धर्म के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग सब एक है और समाजवादी का झंडा लेकर हम लोग आगे बढ़ने वाले लोग हैं। और ये जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं कि बटोगे तो कटोगे, आप बताइए 83% इस देश में हिंदू है, अब किसको डरा रहे हैं? अभी 10-15 साल से आपका सरकार है, उसके बावजूद भी आप इस तरीके का भाषा का प्रयोग करते हैं। भारत सरकार में आप मंत्री हैं, आप भारत के संविधान में, आपने संविधान को पे हाथ रखकर शपथ लिया है कि हम सभी जाति वर्ग के साथ मिलजुल कर रहेंगे, सभी को आगे बढ़ाने का सोच रखेंगे, यानी कि आपकी कैसी भाषा है? आप इसका मतलब संविधान को नहीं मानते हैं, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते हैं, हम आप महात्मा गांधी को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है, ये लोग राज्य में देश के में लोगों को जोड़ने वाले लोग नहीं है, लोगों को तोड़ने वाले लोग हैं। उन्होंने बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी बताते हुए कहा कि आज ये हिंदुओं को डराने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग कभी नहीं चाहते कि गरीब पिछड़े दलित आगे बढ़ें, वो इन्हें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। मुकेश सहनी ने आगे कहा, हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब हम अपना मुकाम हासिल कर लेंगे। कुछ दिन पहले तक निषाद समाज को कोई जानता तक नहीं था, लेकिन इसी संघर्ष के जरिए हम लोगों ने अपनी पहचान बना ली है। तो देश के लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि तोड़ने वाले के साथ रहना है या जोड़ने वाले के साथ रहना है। आज हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, सभी जाति धर्म को सम्मान करते हैं, सभी को साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सब लोग सर उठा कीजिए, ये देश सभी का है, तो इसलिए सभी को आगे बढ़ने के लिए, सभी को एक साथ मिलकर चलने की आवश्यकता है। ये भाजपा के एजेंडा से नहीं, भाजपा जो है वो भारत जलाओ पार्टी है, इनके साथ हम लोगों ने रहा ना, हमने देखा है कि गरीब पिछड़ा दलित के लिए नहीं है। आज अगर गरीब दलित पिछड़ा का बेटा, आप बताइए, 4 को विधायक बनाया, हम मंत्री बने, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था, तो ये सामाजिक न्याय के साथ नहीं है। ये चाहते हैं कि देश में सभी गरीब पिछड़ा दलित जो है इनका गुलाम बने रहे और ये आरएसएस के साथ रहकर ये देश पे खाली रूल करते रहे, सिर्फ दूसरे लोगों का हक अधिकार को छीनने का काम ये हमेशा करते आए, हजारों साल से इतिहास गवाह है। आपने बीच में अपने मोहन भागवत जी का बयान सुना होगा कि गरीब पिछड़ा दलित को 2000 साल से पशु के जानवर के समान मानते थे और उनके साथ उस तरीके से व्यवहार करते थे। आज मोहन भागवत जी जैसे लोगों को कहना पड़ा कि आप गरीब पिछड़ा दलित को इंसान समझिए, यानी कि वो मानते हैं कि जो आरएसएस के जो मूल जो लोग हैं, जो भाजपा के साथ लोग हैं, वो नहीं चाहता है गरीब पिछड़ा दलित जो है वो सर उठा के जिए, वो चाहता है कि इनके पूर्वज पहले गुलाम था, आज भी ये गुलाम रहे और आने वाले इसका नस्ल जो है वो गुलाम रहे। मुकेश सहनी ने कहा कि पिछले चुनाव में हम लोगों ने 4 विधायक बनाए थे, इस बार 40 विधायक बनाएंगे। जब विधायक अधिक होंगे तो सरकार में हिस्सेदारी ज्यादा होगी और जब हिस्सेदारी ज्यादा होगी तो समस्या का समाधान भी ज्यादा होगा। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि एकजुट रहिए तभी मजबूत रह पाओगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।